गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो कैसा है आपका दिन? कैसा है जखास? चंगा है, भगवान करे आपके दिन ऐसे ही चंगे चलते रहे। और जितना जल्दी हो सके आप हमें खुशखबरी दो, कोई नौकरी लगती दे, कोई सिलेक्शन लाके दे। चलो बताइए हम क्या पढ़ रहे थे। हाँ जी, पोषक तत्व है। नाइट्रोजन तो हो गया था शायद, कुछ बचा था? एक बताओ, कमी के लक्षण। ठीक है, अच्छा लिखवा तो दिए क्या? तो हम पढ़ रहे थे पोषक तत्व। क्या पढ़ रहे थे? और पोषक तत्वों में हमने स्टार्ट किया था नाइट्रोजन। क्या किया था? और नाइट्रोजन में हम पढ़ रहे थे कमी के लक्षण। क्या पढ़ रहे थे? तो पहली इंपॉर्टेंट बात को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर एक पर, किससे बात कर लेते हैं? नंबर एक पर। तो एक नंबर पर मैंने आप लोगों को कहा कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर आते हैं? कौन सी पत्तियों पर आते हैं? ऊपरी, सॉरी निचली पत्तियों पर, जिनको बोलते हैं पुरानी पत्तियां। क्या बोलते हैं? पुरानी पत्तियों पर। क्या इसमें कोई डाउट है क्या? पहले ही पढ़ चुके हैं इस बात को, तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सर नया क्या है? नया आपके सामने एक शब्द आया जिसको कहा हमने वी शेप येलोविंग। येलो का मतलब क्या होता है? और येलोविंग का मतलब पीलापन। क्या मतलब होता है? येलो का मतलब होता है पीला। येलोविंग के आगे क्रिया लग गई, यानी किसी चीज के पीले होने की क्रिया को बोलते हैं येलोविंग। क्या बोलते हैं? तो जैसे मान लेते हैं ये एक पौधे की पत्ती है। ये क्या है? एक पौधे की दिखी रही होगी आपको पत्ती। पत्ती ही समझना है इसको। क्या समझना है? हाँ, तो अगर इस पत्ती की हम बात करें तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये यहां से पीली होना स्टार्ट हो, कहां से? और यहां से पीली होती हुई, यहां से पीले होते हुए अगर ये मान लो इस तरह से पीली हो रही है, इसके किनारे किनारे आपने अगर कभी खेत में जाकर नोटिस किया होगा तो ऐसे पत्तियां पीली होती है, टिप से स्टार्ट होकर इस तरह से येलो होती है, आगे की तरफ बढ़ती रहती है, फिर धीरे धीरे यहां से भी पीली हो जाएगी, लेकिन स्टार्ट होकर पहले इस तरह से पीली होती है, देखा होगा आपने। तो आप ये भी देख पा रहे होगे कि यहां से स्टार्ट करके ऐसे वी बन रहा है, बन रहा है नहीं? इसी को बोलते हैं वी शेप येलोविंग। क्या बोलते हैं? अगर इस आकार से पत्ती पीली पड़ रही है, इसका मतलब कमी है। किसकी कमी है? अब देखो ये पत्ती पीली पड़ना कहां से स्टार्ट हुई, इसको पत्ती का क्या बोलेंगे? शीर्ष भाग या टिप कहेंगे। इसको टिप नहीं कहेंगे क्या? अरे टिप का मतलब होता है जैसे ये पेन है, इसका टिप क्या है? ये वाला भाग। समझ गए मेरी बात? तो इसी को बोल देते हैं टिप येलोविंग, की पत्ती का ये भाग सबसे पहले पीला पड़ रहा है, इसको बोलते हैं टिप येलोविंग। क्या बोलते हैं? मामला क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? एक मैंने आपको कहा क्लोरोसिस होता है। क्या होता है? क्लोरोसिस। इस क्लोरोसिस को समझा देता हूं। किसको समझा देता हूं? क्लोरोसिस को। देखो दो शब्द यूज करेंगे हम। कितने शब्द यूज करेंगे? बार बार ये शब्द आएंगे। एक तो आएगा क्लोरोसिस। क्या आएगा? इसको बोलते हैं हिंदी में हरीमहीनता। क्या बोलते हैं? कौन सी हीनता? और एक होता है ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं इंटरवाइनल। इंटरवाइनल क्लोरोसिस, इसको बोलते हैं अंतःशिरा। अंतःशिरा हरीमहीनता। क्या बोलते हैं इसको? इन दोनों बातों को समझना क्या है। जैसे मान लीजिए ये किसी भी पादप की पत्ती है। ये किसी भी पादप की क्या है? पत्ती है। इस पत्ती में ये तो होती है मुख्य शिरा। क्या होती है? और इस मुख्य शिरा की ये होती है सहायक शिराएं। ये क्या होती है? सबने पत्तियां देख रखी है पादपों की, ऐसी तो होती है पत्तियां। अगर मान लो ये पत्ती पूरी की पूरी पीली पड़ जाए, कैसी पड़ जाए? पूरी की पूरी, उसको कहते हैं क्लोरोसिस। क्या कहते हैं? पूरी की पूरी पत्ती पीली दिख रही है आपको, कुछ भी उसमें और दूसरा रंग ही नहीं है, तो क्या है? लेकिन आपने देखा कि सर ये जो पत्ती है इसके सारे के सारे भाग पीले हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? लेकिन सर इसकी जो सिराएं हैं, इसकी क्या है?
सर इसकी जो ये सिराएं है, ये सिराएं अभी भी हरी है। कैसी है? कैसी है अभी भी? इसका मतलब उसको बोलते हैं अंतः सिरा। सिराओं के बीच में क्या हुआ है? पीलापन हुआ है। कहां हुआ है? यानी पत्ती पूरी पीली पड़ जाए तो हरी महीनता क्लोरोसिस, और अगर सिराएं हरी रहे तो अंतः सिरा हरी महीनता कहेंगे। नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो पत्ती पूरी पीली पड़ती है, उसकी सिराएं हरी हरी। हमें पता है कि नाइट्रोजन की कमी का लक्षण आता है पुरानी पत्तियों पर। किन से? कौन सी पत्तियों पर? तो बता दूं, मैग्नीशियम का भी कहां आता है? पुरानी पत्तियों पर। लेकिन ध्यान रखना, मैग्नीशियम की जब कमी होती है तब पुरानी पत्तियों में होती है अंतः सिरा हरिहीनता। पत्ती पीली पड़ेगी लेकिन सिराएं कैसी रहेगी? लेकिन जब जब में नाइट्रोजन की कमी होती है तो पूरी की पूरी पत्ती ही क्या हो जाती है? यानी कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी के लक्षण कहां आ रहे हैं? पुरानी पत्तियों पर। और लक्षण भी एक जैसा है कि पत्तियां पीली पड़ेगी, क्या होगा? तो सर फिर पहचाने कैसे? पहचानना ऐसे है कि पूरी पत्ती पीली पड़े तो नाइट्रोजन, और सिराएं हरी है तो मैग्नीशियम। क्या है? क्या मामला क्लियर है? पक्का याद रख लोगे? तो याद रखना, नाइट्रोजन के केस में पत्ती पूरी पीली पड़ती है या नहीं? पड़ती है। ओके, डन बच्चों। सेकंड बात करते हैं फॉस्फोरस की। किसकी बात करते हैं? बताइए मुझे, फॉस्फोरस का खनिज स्रोत क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? लिखा तो रखा है ना, पिछली साल जेट में पूछा था। ये कब पूछा था? आपको पढ़ा भी दिया मैंने, ये लिखा भी दिया मैंने। एपेटाइट, क्या नाम लिखाया है? याद रखना, फॉस्फोरस जिस खनिज में पाया जाता है उसका नाम है एपेटाइट। क्या नाम है? एपेटाइट। याद रख लोगे? ठीक है, तो ये मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं, ये आपको मैं लिखवा नहीं रहा हूं। फॉस्फोरस का पादप जो उपयोग करते हैं, तो जिस फॉर्म में फॉस्फोरस का पादप अवशोषण करते हैं, क्या करते हैं? तो याद रखना, वो रूप होते हैं तीन रूप। कितने रूप होते हैं? एक तो होता है H2PO4-। अब एक हाइड्रोजन को और हटा रहा हूं, मैं हटा दूं क्या? तो मैंने यहां रखा एक हाइड्रोजन, PO4- में कितना जाएगा? तीसरे को हटा दूं क्या? ये लो PO4-3। ये कितने रूप हो गए? तीन। फास्फोरस के तीन रूप। कितने रूप हो गए? कितने रूप हो गए? एक होता है H3PO4, इस पर ना माइनस आता है ना प्लस आता है, ये एक अम्ल है। ये क्या है? इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? H3PO4 एक अम्ल है जिसको बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। और H2PO4- HPO4-2 और PO4-3, ये है फॉस्फेट। ये क्या है? और पौधा इन तीनों के रूप में फॉस्फोरस का क्या करता है? उपयोग करता है। क्या करता है? उपयोग करता है। समझना मेरी बात। अब मुझे बताओ, जहां मिट्टी में हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा तो इन तीनों में से कौन सा रूप रहेगा उपलब्ध? कौन सा रहेगा? अगर मिट्टी में हाइड्रोजन होगा तो PO4 के साथ आके जुड़ नहीं जाएगा क्या? इसका मतलब ध्यान रखना, ये वाला जो रूप या इसकी बात करें H2PO4 की, किसकी बात करें? तो ये रहता है हल्की अम्लीय मृदाओं में, या फिर यूं कहें उदासीन मृदा में। कौन सी मिट्टी में रहता है? याद रखना, ये रहता है हल्की अम्लीय तथा उदासीन मृदा में। यानी कोई आपको ये पूछ ले कि बताइए उदासीन मृदा के अंदर फॉस्फोरस का कौन सा रूप पाया जाता है? H2PO4। और याद रखना, ये PO4 जो रूप रहता है, ये रहता है क्षारीय मृदा में। किसमें रहता है? क्षारीय मृदा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? याद रखना, इन दोनों की मात्रा हो जाती है बराबर। कब हो जाती है बराबर? जब मृदा का पीएच मान, जब मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7.0। यानी जब मिट्टी का पीएच मान 7.2 होता है तब मिट्टी में HPO4 और H2PO4- और HPO4- दोनों बराबर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। कितने पीएच पर?
समझना, एक पीएच है 6, 7, 7.2, 8 और 9, दिखाई दे रहा है। यहां ज्यादा कौन रहेगा? H2PO4-, सही बात है। यहां ज्यादा कौन रहेगा? कौन रहेगा? ये रहेगा। यहां पर कौन बराबर हो जाएंगे? कौन बराबर हो जाएगा? H2PO4 बराबर हो जाएगा HPO4-2 के, सही बात है। तो अब पहले तो ये ज्यादा चल रहा था, अब बराबर कितने पे हो गए? 7.2 पर। तो अब ज्यादा कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? यानी यहां पर HPO4-2 की मात्रा ज्यादा है, और जैसे ही 7.5 के ऊपर 8 के आसपास जाते हैं फिर किसकी मात्रा आ जाती है? कौन किसकी आ जाती है? मैंने यही तो बात लिखी है, मैंने यही तो लिखा है कि हल्की अम्लीय मृदा में या 7 का मतलब उदासीन मृदा में कौन है? H2PO4, यही लिखा है। दोनों बराबर कब होते हैं? 7.2 पर। कब होते हैं? और PO4-3 किसमें रहता है? क्षारीय मृदा। वैसे देखा जाए तो फॉस्फोरस के कितने रूप हो गए? 3, लेकिन ये 3 ज्यादा काम के है नहीं। 3 ज्यादा काम के है? तो सर काम का कौन है ये बता दो। इन तीनों में काम का कौन है? यानी पादप सर्वाधिक किस रूप का उपयोग करते हैं? किसका रूप उपयोग करते हैं? पादप सर्वाधिक उपयोग H2PO4- रूप का करते हैं। अगर तीनों में से किसी एक रूप का आपको चुनाव करना है तो हमें किसका चुनाव करना है? H2PO4- वाले रूप का चुनाव करना है। और अगर क्वेश्चन हो कि बताइए फॉस्फोरस का कौन सा रूप पादपों के लिए उपलब्ध है, पहले में ये हो, दूसरे में ये हो, तीसरे में ये और चौथा में हो, सभी, तब क्या करोगे? सभी। लेकिन अगर तीनों में से किसी एक का चयन करना है तो किसका करेंगे? H2PO4- का चयन कर लेंगे। मामला सेट है, आगे बढ़ जाऊं? कोनो दिक्कत है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? देखो फॉस्फोरस जो है, इस फॉस्फोरस की उपलब्धता के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? फॉस्फोरस की सबसे अधिक उपलब्धता किसकी बात कर रहे हैं? सबसे अधिक उपलब्धता रहती है, याद रखना, पीएच मान जब मिट्टी का, जब पीएच 6.5 से 7.5 होता है तब कितने पे रहती है? कितने पर रहती है? 6.5 से 7.5 पीएच मान पर इसकी उपलब्धता होती है सबसे ज्यादा। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि बताओ फॉस्फोरस सबसे ज्यादा उपलब्ध कब होगा? यानी कि मिट्टी का पीएच मान जब 6.5 से नीचे चला जाता है तब भी फॉस्फोरस क्या हो जाता है, और 7.5 के ऊपर चला जाता है तो भी फॉस्फोरस क्या हो जाता है? सर क्यों होता है, कारण बताओ। क्या बताओ? मान लेते हैं पीएच 6.5 है और मान लेते हैं पीएच 7.5 है। जब पीएच 6.5 से कम होता है क्या हो जाता है? तो मिट्टी के अंदर ज्यादातर उपलब्धता बढ़ जाती है आयरन की और एल्यूमिनियम की। किसकी उपलब्धता बढ़ जाती है? किसकी उपलब्धता बढ़ जाती है? और पीएच मान 7.5 से जब ऊपर होता है तब मिट्टी के अंदर बढ़ जाती है कैल्शियम की और मैग्नीशियम की। जो उपलब्धता होती है वो क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि याद रखना, इस पीएच मान पर सारे के सारे पोषक तत्व संतुलित रूप में उपलब्ध रहते हैं। इसीलिए कहते हैं फसलों के लिए उपयुक्त तापमान है उदासीन। क्या है? फसलों के लिए उपयुक्त तापमान क्या है? क्या है? लेकिन सॉरी, पीएच मान, तापमान नहीं, पीएच मान। लेकिन अगर पीएच मान कम होता है या ज्यादा होता है तो फसलें सही नहीं होती है। कारण क्या है? क्योंकि पोषक तत्वों की उपलब्धता गड़बड़ा जाती है। क्या हो जाती है? 6.5 से नीचे जाने पर आयरन मिट्टी के अंदर ज्यादा हो जाता है, और हम तो यहां तक जानते हैं कि अगर पीएच मान ज्यादा कम हो जाता है तो आयरन पौधों के लिए जहरीला तक हो जाता है। क्या हो जाता है? कि पीएच मान 6.5 चला गया ना, तो आयरन इतना ज्यादा होता है मिट्टी के अंदर कि भाई साहब वो पौधों के लिए जहर का काम करता है। किसका काम करता है? जैसे मान लीजिए आप बीमार हो तो आप पेरासिटामोल की टेबलेट लेते हो, एक टेबलेट ली तो दवाई का काम करती है। किसका काम करती है?
और पूरा पत्ते में जितनी है निकाल के खा जाओ तो किसका काम करेगी? सही बात है ना। इसका मतलब दवाई भी तब तक दवाई है जब उसकी मात्रा निश्चित है, अगर ज्यादा हो गई तो वो भी आपकी मौत का कारण बन जाएगी। आयरन जब तक सही मात्रा में है तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, और अगर इसकी मात्रा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए तो ये जहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समझ गई बात मेरी। अब होता क्या है कि सामान्यतया मिट्टी के अंदर फास्फोरस का जो उपलब्ध रूप है वो है H2PO4-, यही है। और मिट्टी में जो आयरन होता है अगर इसकी उपलब्धता ज्यादा हो जाती है तो ये जनरली रहता है F2O3, जिसको हेमेटाइट के नाम से आप जानते हो। किसके नाम जानते हो? किसके नाम जानते हो? और ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद ये बना लेता है FePO4, FePO4 आयरन फॉस्फेट। क्या बना देता है? और आयरन फॉस्फेट एक ऐसा यौगिक बन जाता है जो मिट्टी के अंदर चुपचाप पड़ा रहता है। अब मुझे बताओ कि क्या पौधे यहां से फॉस्फोरस ले सकता है क्या पौधा? ये तो पत्थर के रूप में पड़ा रहेगा। किस रूप में पड़ा रहेगा? इस रूप में पौधा इसका उपयोग कर ही। इसका मतलब अगर पीएच मान 6.5 से नीचे गया तो आयरन और एल्यूमिनियम के साथ ये फॉस्फोरस क्रिया कर आयरन फॉस्फेट और एल्यूमिनियम फॉस्फेट बना देता है। क्या बना देता है? आयरन फॉस्फेट और क्या बना देता है? एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जो पादपों के लिए क्या नहीं है, उपलब्ध नहीं है। कि सर कम की बात समझ में आई, ज्यादा होता है तो क्या होता है? अगर पीएच मान ज्यादा होता है तब यही H2PO4 क्या करता है, क्रिया करता है कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ और बना देता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बना देता है? क्या बना देता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इसको बोलते हैं, या फिर बनाते हैं ट्राई मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम या कैल्शियम फॉस्फेट। और ये वाला जो रूप होता है ये भी पादपों के लिए क्या नहीं है, उपलब्ध नहीं है। यानी कि पीएच कम हो या ज्यादा हो फॉस्फोरस तो उपलब्ध है। सर फिर ये बीच वाले में ही क्यों उपलब्ध रहता है? क्योंकि बीच वाले पीएच मान पर होता क्या है कि एल्यूमिनियम की उपलब्धता भी लिमिटेड रहती है और कैल्शियम मैग्नीशियम भी जितना होना चाहिए उतना ही है, तो इसकी उपलब्धता थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन पीएच ज्यादा कम होता है तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जम के होता है मिट्टी में तो फटाक से क्रिया करके इसको बदल देगा एल्यूमिनियम फॉस्फेट, आयरन फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, और ये हो जाता है अनुपलब्ध। क्या हो जाता है? मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता, याद आया? तो मैंने आपको कहा था कि पोषक तत्वों के उपयोग दक्षता में नाइट्रोजन की मैंने कहा 30-40% है और फॉस्फोरस की मैंने कहा 15-20% ही है और पोटेशियम की मैंने कहा 75-70% से भी ज्यादा है, यही कहा था। तो इसकी कम होने का कारण क्या है? सर यही कारण है कि बेचारा क्या होता है, आप मिट्टी में डालते हो और डालते ही क्रिया करके पत्थर बन के बैठ जाता है, पौधे ले ही नहीं पाते पौधे, इसीलिए इसकी उपयोग दक्षता सबसे क्या है। समझ में आ गई मेरी बात? सर नाइट्रोजन की कम क्यों है, वो तो ऐसे क्रिया भी नहीं करता है, उसकी कम क्यों है? अरे बेटा नाइट्रोजन जो है ना उसके साथ 3 बीमारियां जुड़ी हुई है। कितनी बीमारियां जुड़ी हुई है? कि या तो पानी के साथ घुल के इसका हो जाता है निक्षालन, क्या हो जाता है, या हो जाता है विनाइट्रीकरण, क्या हो जाता है, या हो जाता है वोलेटिलाइजेशन, क्या हो जाता है, यानी या तो गैस बन के और अमोनिया गैस के रूप में खेत से निकल जाता है सीधा, या फिर क्या करता है सूक्ष्म जीव इसको नाइट्रोजन गैस बनाकर उड़ा देते हैं या पानी में घुलकर नीचे चला जाता है, तो पौधा उपयोग कैसे करेगा, तो इनकी वजह से होता है। फिर सर पोटेशियम की उपयोग दक्षता ज्यादा क्यों है? क्योंकि पोटेशियम K+ के रूप में मिट्टी में मस्त बैठा रहता है, जब भी पौधे को जरूरत होती है उसके पास चला जाता है कि ले भाई खा ले, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसका मतलब पोटेशियम जितना डालोगे लगभग उपलब्ध रहता है, लगभग क्या रहता है, लेकिन बाकी पोषक तत्व ऐसा नहीं कर सकते, उनके साथ कुछ बाधाएं हैं। समझ में आ गई मेरी बात? जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में तो आ रही है ना? कहीं ऐसा हो कि नहीं देखो सर आप है ना वो कुछ ज्यादा, हम हमारे से बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो सर, हम ना आप ना हमको सीधा लिखवा दो और बीमारी मेट दो, हमको समझाने वाली बातें अच्छी नहीं लगती है, हमको तो लिखने वाली बातें अच्छी लगती है, तो मुझे बता देना मैं फटाफट लिखवा भी दूंगा। तो क्वेश्चन हो गया, सबसे अधिक उपलब्धता फॉस्फोरस की कितने में होती है? 6.5 से 7.5 पीएच मान पे रहती है। क्लियर है मामला? कोई दिक्कत नहीं है। जब खनिज की बात आती है फॉस्फोरस खनिज की, तो आप लोगों को नाम याद ही होगा, इसका नाम होता है एपेटाइट। क्या नाम है? क्या नाम है? एपेटाइट नाम है।
इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं फास्फोरस के कार्यों में। कहां चलते हैं फास्फोरस के, कि सर फास्फोरस काम क्या करता है ये बता दो, प्लांट पौधे में फास्फोरस का काम क्या होता है। तो पहली चीज जो आप लोगों को याद रखनी है और क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और वो काम है, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया भी था कि ये बीज का अंकुरण हुआ और ये पौधा मिट्टी से बाहर गया, इस पौधे को लंबा करने का काम था नाइट्रोजन का। किसका काम था? इसका काम था। लेकिन मिट्टी के अंदर इसकी जड़ें लंबी होगी, कौन होगी, और जड़ों को लंबा कौन करेगा, और जड़ें होने के बाद सबसे लास्ट में इसके यहाँ पुष्प आएगा, क्या आएगा, ये पुष्प भी कौन लाता है, तो नीचे और ऊपर तो कौन काम करता है, बीच में कौन करता है, क्या ये बात इतनी सी याद नहीं रख पाओगे क्या। तो फूल लाने का काम किसका है, और फूल देरी से आए इस बात की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी है, किसकी है, पक्का, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप कहोगे सर पहला काम होता है जड़ों का विकास करना, क्या है, जड़ों का, यानी बताइए पादपों में जड़ों का विकास कौन करता है, कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है फास्फोरस का, ध्यान रखना। दूसरा काम देखिए, आप कभी कभी ऐसे सोचते हैं ना कि सर फास्फोरस की सारी मात्रा पौधे को स्टार्टिंग में ही क्यों दे देते हैं, तो वैसे बता देता हूं फास्फोरस की ज्यादा मात्रा की जरूरत या तो पौधे को स्टार्टिंग में पड़ती है या लास्ट में पड़ती है, कब पड़ती है, या तो स्टार्टिंग में या, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको जड़े बनानी है और लास्ट में उसको फूल लाने हैं, बीच में फास्फोरस का कोई काम ही नहीं है बाबा, बीच में फास्फोरस का कोई काम ही नहीं है, बीच में तो नाइट्रोजन का काम है, किसका काम है, तो अपन ने जो डाला फास्फोरस उससे पौधे की जड़ें मजबूत हुई, और जिसकी जड़ ही ज्यादा अच्छी होगी वो मिट्टी में ढूंढ ढूंढ के फास्फोरस निकाल लेगा, कोई दिक्कत है क्या, और जिसकी जड़ ही कमजोर होए तो हो सकता है पास में फास्फोरस पड़ा हो लेकिन उसको भी ले, समझ की बात मेरी। तो पहली बात जड़ों का विकास करता है, किसका विकास करता है, अब बताओ दूसरा काम क्या करता है ऊपर जाके, हाँ याद रखना, पुष्प तथा जो पुष्प होते हैं और फल होते हैं उनका निर्माण कौन करता है, तो याद रखना पुष्प फल तथा दानों का निर्माण करना, ये कार्य भी किसका है, किसका है, फास्फोरस का है, किसका है। तीसरा काम हम बात कर लेते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइट, याद ही होगा, वैसे तो तुम बहुत होशियार हो, मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे, पर फिर भी मुझे पता है इस नाचीज की बताई हुई एक छोटी सी चीज तो तुमको याद ही होगी, होगी ना, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइट, कदर बताओ भाई न्यूक्लियोसाइट क्या होता है, नाइट्रोजन प्लस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोटाइड क्या क्या है, न्यूक्लियोसाइट प्लस पक्का क्या होता है, फॉस्फेट, और हम पढ़ भी क्या रहे हैं, फॉस्फोरस ही तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यानी ये बनाता है न्यूक्लियोटाइड, क्या बनाता है, और न्यूक्लियोटाइड आगे क्या बनाते हैं, डीएनए आरएनए, तो क्या डीएनए आरएनए फॉस्फोरस के बिना बन जाएगा, नहीं बन सकता ना, तो लिख दू क्या, ठीक है, तो ये बनाता है न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए का निर्माण करना, ये काम भी कौन करता है, फॉस्फोरस, कौन करता है, आगे चलते हैं, एक नाम सुना होगा एटीपी, क्या होता है पूरा नाम, एडिनोसिन ट्राई, लास्ट में क्या आ रहा है, फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, तो एटीपी भी कौन बनाता है, ये लो भैया लिख देते हैं, एटीपी का निर्माण करना, यानी एटीपी का निर्माण कौन करता है। अच्छा मुझे बताओ, जैसे आपको कोई भी सामान चाहिए, दुकान पर जाते हो तो क्या देते हो दुकान वाले को, क्या देते हो, एटीपी, रुपए, जैसे मान लो आपको अपने घर पे कोई काम करवाना है तो मजदूर बुलाया, पर मजदूरों को क्या देते हो,
उसको बोलते हैं मुद्रा, क्या बोलते हैं या करेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं करेंसी, हाँ करेंसी बोलते हैं या मुद्रा बोलते हैं। अब मान लो पौधे को कोई काम करवाना है, पौधे को क्या करना है कोई, सर पौधे की क्या काम होगा, आप कैसी बावली बातें कर रहे हो यार, पौधे की भी काम होते हैं बच्चों। जैसे पौधे को जरूरत पड़ी कि मिट्टी से पोटेशियम को लाना है, किसको लाना है, तो पत्तियों में जरूरत है पोटेशियम की, कहां जरूरत है, तो पत्तियां मैसेज भेजेगी, टेलीफोन लगाएगी जड़ों को, किसको लगाएगी कि भाई साहब पोटेशियम भेजो ऊपर कम पड़ रहा है, मैसेज भेज दिया। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो जड़ है वो ऐसे इधर जा रही थी तुरंत, अरे यार इधर मजदूर नहीं, इधर रास्ता बदल के लेके आ जाएगी, ऐसा तो करेगी नहीं। और दूसरी बात, जड़ों के अंदर एक समस्या और रहती है कि जो जड़ होती है उस जड़ के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्या पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली का तो नाम ही होता है अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको पार नहीं कर सकता हर कोई, समझ नहीं आता, यानी कि बाहर से कोई भी मुंह उठा के इसके अंदर नहीं आ सकता, ऐसे नहीं कि पोटेशियम चला और एकदम दादा बन के अंदर घुस गया, ऐसा नहीं कर सकता। अर्धपारगम्य झिल्ली हर चीज को अंदर नहीं आने देती, उसके अंदर से जिसके पास वीजा होगा वही आ सकता है, जिसके पास क्या होगा, वीजा होगा, बॉर्डर है ये, क्या है, तो होता क्या है कि जब पौधे को पोषक तत्वों का अवशोषण करना होता है तब वहां पर उसको एटीपी खर्च करना होता है, क्या करना होता है, यहाँ एक वाहक बैठा रहता है कोशिका में, क्या बैठा रहता है, वाहक को इंग्लिश में बोलते हैं कैरियर, क्या बोलते हैं, तो यहाँ एक वाहक बैठा होता है, तो ये पौधे की कोशिका क्या करती है कि इस वाहक को ऊर्जा देती है, क्या देती है, ये पहले ये वाहक इनएक्टिव कैरियर के रूप में बैठा होता है, आईसी, इनएक्टिव का मतलब होता है असक्रिय, कैरियर का मतलब वाहक, यानी चुपचाप आराम से सो रहा होता है, इसको ये कोशिका तुरंत ही एक एटीपी देती है, क्या देती है, तो इसने क्या किया, एटीपी का उपयोग किया और इसको एडीपी में बदल दिया, किसमें बदल दिया, एटीपी को एडीपी में बदल दिया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल दिया, यहां से इसको मिल गई एनर्जी, क्या मिल गई, और जैसे ही इसको एनर्जी मिली ये हो गया एक्टिव कैरियर, कौन सा कैरियर, सक्रिय वाहक, क्या हो गया, ये दौड़ के जाता है कोशिका, जो अपनी कोशिका झिल्ली होती है इसके पास, यहां जाता है और यहां से बाहर से इसको जिसको बिठाना है उसको बिठाता है और अंदर आ जाता है, कहां जाता है, अंदर आते ही पौधे के यहाँ जो एंजाइम होता है वो इससे कहता है कि पोटेशियम को तो छोड़ दो, तो पोटेशियम को तो कोशिका झिल्ली में, कोशिका के अंदर छोड़ देता है और खुद वापस से किसमें बदल जाता है, वापस से इनएक्टिव कैरियर से, यानी इसने क्या किया, यहां से दौड़ के गया, सवारी बिठाई, अंदर लाया, छोड़ के वापस से चुपचाप बैठ गया, समझ गए, और इसके लिए इसको क्या चाहिए था, दोबारा से सवारी लानी है तो फिर क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, तो पादपों में जो ऊर्जा मुद्रा है, यानी जो मुद्रा का काम करता है वो कौन करता है और उसका निर्माण कौन करता है, कौन करता है, तो वैसे तो एटीपी को कहा जाता है ऊर्जा एनर्जी करेंसी, तो याद रखना एनर्जी बनाता कौन है, फास्फोरस, इसीलिए आप अच्छे से ध्यान रख लेना कि जो ऊर्जा मुद्रा है वो किसको बोलते हैं, फास्फोरस को, किसको बोलते हैं, तो याद रखना फास्फोरस को किस नाम से जानते हैं, ऊर्जा मुद्रा के नाम से, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अब देखो हो सकता है आप रटने की कोशिश करो तो रट लेना, बाकी मैंने समझा सारा दिया कि क्यों कहते हैं, कारण बता दिया है आपको, ठीक है। वैसे मुझे बताओ पादपों में ऊर्जा का जो संग्रहण होता है वो किसके रूप में होता है, एटीपी के रूप में, तो ऊर्जा का संग्रहण कौन करता है, अब क्वेश्चन हो सकता है जैसे मैंने लिखाया है वैसा नहीं पूछे, क्वेश्चन पूछ ले कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा भंडारण में सहायक होता है, अरे फास्फोरस बनाता है एटीपी और एटीपी में ऊर्जा ही तो होती है, क्या होती है, कौन होती है, ऊर्जा होती है, समझ गए, तो ऊर्जा भंडारण का काम कौन करता है, फास्फोरस, कौन करता है, याद रख लोगे, फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो अगर नहीं रहेगा तो पौधा एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिल रही है तो वृद्धि रुक जाएगी, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नई कोशिका का विभाजन नहीं होगा, यही तो होगा ना, जितना हो गया उतना ठीक है आगे नहीं होगा, लेकिन फास्फोरस नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगी, क्या नहीं बनेगी, और बिना ऊर्जा के पौधा जिंदा रह सकता है क्या, नहीं रह सकता, इसका मतलब पौधा मर जाएगा, क्या हो जाएगा, इसीलिए फास्फोरस को बोलते हैं की ऑफ लाइफ, जीवन की कुंजी, कुंजी यानी क्या होता है, हाँ ये जीवन की चाबी है, किसकी चाबी है, तो फास्फोरस को ही कहा जाता है, ध्यान रखना की ऑफ लाइफ, फास्फोरस को क्या बोलते हैं,
की ऑफ लाइफ, क्या बोलते हैं जिसको, बोल देते हैं जीवन की, क्यों कहते हैं जीवन की कुंजी, क्योंकि फास्फोरस की कमी होने पर पौधा मर जाता है, जीवन चक्र कौन है, हाँ याद रखना, क्योंकि पी की कमी होने पर पौधा जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। सेट है मामला। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आया है, की ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, ध्यान रखना ये दोनों तीनों क्वेश्चन बार बार आए हैं। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ फल और दानों का निर्माण कौन करता है, ये क्वेश्चन में आया हुआ जड़ों का निर्माण कौन करता है, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि हर एक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाऊं क्या, इसके बाद कौन से नंबर का काम होगा, अबे पांच हो गए थे, कितने हो गए थे, अब बात कर रहे हैं छह नंबर की, कितने नंबर की, नाइट्रोजन का काम था पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना, किसको बढ़ाना, और फास्फोरस का काम है वानस्पतिक वृद्धि को रोक कर क्या लाना, फूल लाना। तो नाइट्रोजन का हानिकारक प्रभाव हमने ये लिखा था कि फूल और फल और दाने देरी से बनते हैं, ये लिखा था। तो फास्फोरस को क्या कर देता है, खत्म, जल्दी ले आता है, नहीं आता है, यानी कि नाइट्रोजन के जो हानिकारक प्रभाव है उसको कौन कम करता है, तो लिख दो क्या, नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभावों को कम करता है, क्या करता है, दूसरी बात देख लेना, सातवें नंबर की बात करते हैं। जैसे ये पौधा है और ये जो पौधा आपको दिख रहा है, इस पौधे की जड़ें बस इतनी ही है, ठीक है, और इसके पड़ोस में एक दूसरा पौधा है, दिख रहा है आपको, और इसकी जड़ें ये है, इसकी जड़ें ये कितनी है, ये दिखाई दे रही है, बताओ सूखा कौन सा ज्यादा सहन करेगा, इसका नाम तो है ए, क्या नाम है, और ये पौधा है बी, कौन सा है, तो बताओ कौन सा पौधा सबसे ज्यादा सूखा सहन कर सकता है, क्यों भाई, जड़े गहरी है, और जड़े गहरी क्यों है, हाँ यानी यहां फास्फोरस से जड़ों का विकास नहीं हुआ और यहाँ फास्फोरस ने क्या कर दिया, जड़ों का, यानी इसका मतलब तो फास्फोरस सूखा सहनशील क्षमता को बढ़ाता है, बढ़ाता है क्या, लेकिन क्या फास्फोरस ने खुद ने कोई कलाकारी की क्या, उसने तो सिर्फ जड़े बनाई थी और जड़े बनाने के चक्कर में सूखा सहनशीलता अपने आप बढ़ गई, सही बात है ना, तो क्या प्रत्यक्ष रूप से इसने ऐसा कुछ किया क्या जिससे सूखा सहनशील क्षमता बढ़ी, इसने तो अप्रत्यक्ष रूप से किया है सर, इसने काम तो ये किया था, बस ये करने की वजह से सूखा सहनशीलता अपने आप हो गई, सही बात है ना। तो याद रखना पादपों में अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहनशील क्षमता को कौन बढ़ाता है, हाँ तो ध्यान रखना अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहनशील क्षमता को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, तो फास्फोरस के काम समझ में आए, डीएनए आरएनए बनाना, जड़ों का विकास करना, फल फूल लाना, ठीक है, इसके अलावा ऊर्जा मुद्रा इसको कहते हैं, एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का भंडारण या ऊर्जा का भंडारण करता है, सही बात है, इसको की ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि इसके बिना मामला चल नहीं सकता एक दिन भी, इसलिए की ऑफ लाइफ, या फिर बोल देते हैं जीवन की कुंजी कहते हैं इसको, या फिर हम कह देंगे कि सर ये नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभावों को कम करता है और पौधे में सूखा सहनशील क्षमता को बढ़ाता है, ये इसके कार्य होंगे, क्या होंगे इसके, क्या होंगे इसके, कार्य में कोई दिक्कत नहीं है, पक्का आगे चलो, ठीक है, कार्य इसके ये हो गए। तो अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मली कि सर कार्यों के बाद में आ जाते हैं कमी के लक्षण, क्या आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं कमी के, यानी कि जब सर फास्फोरस की कमी होगी तब क्या होगा, क्या पौधा हमको कोई इंडिकेशन देगा, संकेत देगा, और देगा तो क्या, क्या मैंने सांकेतिक पादप लिखवा दिए, पक्का नहीं लिखवाए, हाँ बेटा नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे, फिकर मत करो, पढ़ा देंगे ना, इस फास्फोरस को खत्म करके लिखवा दूंगा। तो कमी के लक्षण क्या आते हैं, देखो फास्फोरस को लिखते हैं हम लोग पी, क्या लिखते हैं, और पी से क्या बना दे, पर्पल, कौन सा, और पर्पल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? पक्का ये होता है, यानी कि पौधे की पुरानी पत्तियां बैंगनी रंग की हो जाती है। कैसे रंग की हो जाती है? तो बताइए पर्पल रंग की पत्तियां किसकी वजह से होती है? फॉस्फोरस की। कौन सी पत्तियां होगी बैंगनी रंग की? पुरानी होगी। पक्का? ठीक है। तो पहली बात तो हम कहेंगे कि फॉस्फोरस की कमी का लक्षण कहाँ आता है? कहाँ आता है? कहाँ आता है? बहुत बढ़िया, ऐसे जवाब आना चाहिए। पौधे की पुरानी पत्तियों पर आता है। कौन सी पत्तियों पर? येलो भैया, पहली बात पत्तियों पर आता है। देखो पत्तियां ही लिखना, पत्नियां मत लिख देना, है ना। कि तुम कहो ऊपर वाली पत्नी, नीचे वाली पत्नी, मध्यम वाली पत्नी, है ना। लक्षण कौन सी पे आया? बोले पुरानी पत्नी पे आएगा पहले, है ना। तो कोशिश करना कि आप पतियां ही लिखो। क्या लिखो? हाँ, पत्नियां नहीं। देखो दूसरी बात हम कह देते हैं कि सर दूसरा क्या आएगा? दूसरा आ जाएगा सर कि पर्पल रंग की हो जाएगी पत्तियां। कैसे रंग की हो जाएगी? हाँ, तो याद रखना पुरानी पत्तियां कैसी हो जाती है? पुरानी पत्तियां बैंगनी रंग की हो जाती है। कैसे रंग की? बैंगनी रंग की, जिसको क्या बोलते हैं? पर्पल रंग। क्या बोलते हैं? पर्पल रंग की हो जाती है। सामान्यतया ऐसा क्यों होता है? वैसे ये जो लक्षण दिख रहा है ये हमको सरसों परिवार में दिखता है। किसमें दिखता है? सरसों कुल में दिखता है। किसमें दिखता है? सरसों कुल। और सर हाँ, ब्रैसिका जो फैमिली है ना उसकी बात कर रहे हैं। और उसमें ही क्यों दिखता है? क्योंकि उसकी निचली पत्तियों में एक वर्णक जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? जैसे टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? हाँ जी, और बैंगन का बैंगनी रंग क्यों होता है? ज़ैंथोफिल। किसकी वजह से? हाँ, और हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल। हाँ? अरे कंफ्यूज क्यों होना यार, क्लोरोफिल से ही तो होता है। कैसी बात कर रहे, मतलब खुद पे थोड़ा तो विश्वास रखो, या तो इतने जबरदस्त तरीके से बोलो कि मास्टर भी तीन बार सोच ले कि यार मैं सही पढ़ा रहा हूँ यार, गड़बड़ क्या हो रही है। यानी कोई बात बोलो ना तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि मास्टर भी थोड़ी देर तो संशय में आ जाए और अपने दिमाग पे जोर डाले कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं वो सही है। तो ऐसे टेंशन मत आओ, क्लोरोफिल से ही आता है हरा रंग। किससे आता है? हाँ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। बहुत बढ़िया मेरे रसगुल्लो। तो याद रखना ये जो बैंगनी रंग आता है ना, ये बैंगनी रंग पत्तियों में ज़ैंथोफिल वर्ण के जमा होने से आता है। किसके जमा होने से? वैसे एक कमी और आ जाती है कि सरसों कुल की जो फसल है या पौधे होते हैं, जैसे सरसों के जो पौधे हैं उनकी निचली पत्तियां ऐसे डोने के आकार की हो जाती है। कैसे आकार की? पत्ती को होना तो ऐसा चाहिए था, कैसे? और ऐसे चारों तरफ से इकट्ठी होकर डोना बना लेती है। भले ही दाल गाल के पी लो। हंस रहे हो यार, गजब आदमी हो तुम। बोल देखो, कर लो बात। वो कह रहा सर हमारे स्वामनी है तो सरसियों को फास्फोरस नहीं देते हैं, डोने उसी से बना लेंगे। कब किए तुम्हारे? सुनी नहीं ना मैं तो। सारे एक साथ बोलते तो मेरे को सुनाई नहीं देता। देखो मुझे जब कोई बात तुमको सुनानी हो ना तो एक बोला करो। और आपको पता है मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ? क्योंकि दुनिया के सारे काम हो सकते हैं पर क्लासरूम में ऐसा नियम नहीं बन सकता कि एक ही बच्चा बोले। इसीलिए मैं बता देता हूँ कि मुझे सुना ही नहीं दिया आपने क्या कहा, पर जो भी कहा अच्छा कहा होगा, है ना। हाँ मैं समझ गया तुम्हारे भावनाओं को, अब प्रयास मत करो। चलो इधर ध्यान दो, पुरानी पत्तियों पर कहाँ आते हैं? क्या बात करते हो, पुरानी पत्तियों पर। समझ गए यहाँ तक? तो लिख सकते हो सरसों की पत्तियां कैसे हो जाती हैं? सरसों की पत्तियां कप आकार की हो जाती है। कैसे आकार की? हाँ हो जाती है, सेठ है मामला। वैसे इससे एक ही बीमारी होती है, कितनी बीमारी होती है? बस। और उस बीमारी का नाम है सिकल। क्या नाम है? सिकल लीफ
डिजीज जिसको बोलते हैं सिकल लीफ। लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती। क्या होता है? और सिकल का मतलब? हाँ जी, क्या होता है? अरे सिकल बोलते हैं दांतली को। किसको बोलते हैं? दांतली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और दांतली ऐसी तो होती है, यूं ऐसी होती है ना। और मजे की बात देखो कि इसकी कमी होने, अभी तो बता रहा था कि पत्तियां ऐसे हो जाती है, बता रहा था ना अभी, यानी जो पत्ती बिचारी एकदम ऐसे होनी चाहिए थी अब वो ऐसे नहीं रह पाती है। और अगर उसको साइड से देखें ना, किधर से देखें, तो वो आपको कुछ इस तरह से, ये तो उसका डंठल हो गया, क्या हो गया उसका, और वो कुछ इस तरह की शेप ले लेती है और आपको दिखने में ही डराती दिख रही होगी। दांतली साउथ की फिल्में देखते हो ना, है ना वो। तो इसको बोलते हैं सिकल लीफ डिजीज। क्या बोलते हैं? एक ही बीमारी होती है, फॉस्फोरस की कोई बीमारी? फॉस्फोरस की अधिकता का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं आता है, बता देता हूं। फॉस्फोरस कितना ही डाल दो नुकसान है, लेकिन दिक्कत एक हो जाती है कि फॉस्फोरस का और जिंक का 36 का आंकड़ा होता है। कितने का आंकड़ा होता है? हाँ, इन दोनों के बीच में कितने का आंकड़ा होता है? 36 का आंकड़ा जानते हो? जानी दुश्मन। कौन से दुश्मन? यानी कहने का मतलब है कि फॉस्फोरस की अगर मात्रा मान लीजिए बढ़ रही है तो जिंक की क्या हो जाएगी, यानी कि अगर फॉस्फोरस ज्यादा डाला तो किसकी कमी हो जाएगी, और जिंक की मात्रा ज्यादा डाल दी तो किसकी कमी हो जाएगी। ऐसा संबंध जिसमें एक की मात्रा बढ़ने पर दूसरे की घटती है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक प्रभाव। क्या बोलते हैं? तो फॉस्फोरस का और जिंक का आपस में होता है 36 का आंकड़ा, और उस आंकड़े को शब्दों में अगर पिरोया जाए तो कहते हैं एंटागोनिस्टिक प्रभाव। क्या बोलते हैं? जैसे कि जब मैंने जैव उर्वरक पढ़ाए तो एक शब्द पढ़ाया था जिसका नाम था, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध। यानी एक अगर है तो दूसरा उसका साथ दे रहा है, दोनों साथ साथ एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे थे, तो क्या हो गया? और एक की मात्रा बढ़ी दूसरे की घटी, तो इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? और अगर एक की मात्रा बढ़ रही है और उसके बढ़ने से दूसरा भी बढ़े तो उसको बोलते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ये दो शब्द आते हैं इंग्लिश के, एंटागोनिस्टिक और सिनर्जेटिक। हिंदी का तो पता भी नहीं इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो पर मेरे हिसाब से आपको याद तो रही जाएगा ना इतना तो। एंटागोनिस्टिक का मतलब उल्टा चलेंगे दोनों, और सिनर्जेटिक का मतलब साथ साथ चलेंगे, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। क्लियर है मामला? पक्का रख लोगे दोनों, या ये बात याद रख लोगे? हो गया जिंक खत्म, सॉरी फॉस्फोरस हो गया खत्म, कोई दिक्कत आई फॉस्फोरस में? बिल्कुल भी नहीं आई, उतार लो। देखता हूं कितनी स्पीड से उतारते हो। अरे याद तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? साथ साथ हो रहा है, हो तो ही बताना, जबरदस्ती मत बताना बेटा। हाँ गुड क्वेश्चन, बट नेक्स्ट गुड क्वेश्चन बट नेक्स्ट। टेस्ट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? अच्छी बात है, कर ही लेते हैं। चलो टेस्ट में आप पढ़ लेना पोषक तत्व, क्या पढ़ लेना? उर्वरक हो गया नहीं हुआ? जैव उर्वरक हुआ है, तो पोषक तत्व पढ़ लो, जैव उर्वरक पढ़ लो, खाद पढ़ लो, और क्या पढ़ा है? सोयल साइंस पढ़ लो। नहीं, वीड छोड़ दिया, ड्राई फार्मिंग छोड़ दी। हाँ जी बोल बोल। समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं है बेटा? दू